हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सान ऑटो। दोस्तों, बजाज रिसेंटली अपने पल्सर सीरीज में एक सुपर बाइक को इंक्लूड करने की प्लानिंग कर रही है, जिसका नाम बजाज पल्सर 900 RR होने वाला है। और दोस्तों, पल्सर सीरीज में होने के कारण इतना तो क्लियरली कहा जा सकता है कि ये बाइक अपने बाकी सिबलिंग के जैसा ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, जिसके लुक को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी रखा जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बजाज की इसी अपकमिंग सुपर बाइक के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको इस बाइक में कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं, बाइक की मैकेनिकल डिटेल्स क्या होगी और सबसे मेन बात, बाइक का ओवरऑल लुक कैसा होने वाला है। इसीलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसे बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि आप बाइक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। सबसे पहला दोस्तों, आपको बता दूं, पिछले कुछ सालों में इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट में बजाज ऑटो अपने पल्सर सीरीज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है। इसीलिए अब बजाज अपने पल्सर सीरीज़ में एक और बाइक को इंक्लूड करने वाली है, बजाज पल्सर 900 RR। और दोस्तों, रिसेंटली जो है बाइक की रेंडर इमेज भी सामने आ चुकी है, जिससे बाइक के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स हमें पता चल पाया है। जैसे कि पल्सर 900 RR में आपको एक एग्रेसिव और पंचिंग स्टेंस देखने को मिलने वाली है, जो बाइक के एरोडायनामिक प्रॉपर्टीज को और भी इन्हांस करती है। बाइक में दिए जाने वाले पार्ट स्प्लिट पैनल्स की वजह से इसका लुक पारंपरिक पल्सर सीरीज के डिज़ाइन से थोड़ी बहुत अलग होने वाली है। इसके अलावा शार्प साइड फेयरिंग और शार्प कर्व्स एंड क्रीसेस वाली मस्कुलर फ्यूल टैंक बाइक को हाई स्पीड के दौरान एयर फ्लो में मदद तो करने ही वाली है, साथ ही ये बाइक को एक परफेक्ट स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड कराती है। बाइक के रियर सेक्शन में आपको एक काफ़ी शार्प और अपराइडिंग टेल सेक्शन और एक छोटी सी पिलियन सीट देखने को मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बाइक के फ्रंट में आप एक ट्विन पॉड वाली हेडलैम्प सेटअप और एक टॉल विंडस्क्रीन देख पाएंगे। बाइक के राइडिंग पोस्चर की अगर बात की जाए तो इसमें जो है आपको काफ़ी एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर मिलने वाली है। इसमें दिए जाने वाले क्लिप ऑन स्टाइल लो सेट हैंडल बार्स और रेयर सेट फुटपेक्स के कारण बाइक के फ्रंट में सस्पेंशन का काम दिया जाने वाला है प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फॉक और रेयर में मोनोशॉक सेटअप के ऊपर। इस सस्पेंशन के साथ बाइक में पावर जनरेट करने वाली है एक 890cc की DOHC पैरेलल ट्विन लिक्विड कूलिंग सिस्टम वाली इंजन, जो आपको KTM 890 में भी देखने को मिल जाती है, लेकिन वहाँ आपको 114 BHP तक की पावर ऑफर किया जाता है, जबकि पल्सर 900 RR में इसे थोड़ा डीट्यून किया जाने वाला है, जिस वजह से यहाँ आपको लगभग 108 BHP तक की पावर और 19 Nm तक का पीक टॉर्क देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, रेंडर इमेज के हिसाब से आपको इस बाइक में 825 mm की सीट हाइट और 180 mm की काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। अभी तक जो है दोस्तों, इस फुल्ली फियर्ड स्पोर्ट्स बाइक की कई सारी रेंडर इमेज बनाया जा चुका है, लेकिन इन सभी में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि अंडरबेली एग्जॉस्ट, फंकी बॉडी ग्राफिक्स और सिल्वर कलर के एलॉय व्हील्स। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि ये सभी चीज़ें लॉन्च के बाद आपको बाइक में ऑफर की जाती है या फिर नहीं। फाइनली दोस्तों, बाइक के लॉन्चिंग की बात की जाए तो आ रहे रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि इस बाइक को जो है पल्सर सीरीज के 25th एनिवर्सरी में लॉन्च किया जाने वाला है।